कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जरा बन जाता है इंसान सहरा। इंसान बस में कर ले किस्मत। मैम वो सेकेंड है मैम, इसको क्या बोलूँ इंसान मैम। इंसान मैम वो लास्ट लाइन है मैम, सेकंड लाइन। इंस सेकंड लाइन में कोई और बच्चा पढ़ो। अंशु कुमार 5C। ये 5C के बच्चे क्यों हैं? तो 6C के बच्चे हैं। म्यूट मैम अनम्यूट हो जाओ। लिख अंशु कुमार क्या लिखा है? हमारे पास बुक नहीं है। हाँ, लास्ट लाइन में क्या लिखा है? अनुष्का पढ़ रही थी, उसमें बताओ। इंसान बस में कर ले किस्मत, ये है कि अगर कुछ है। जर्रा 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 माने होता कण। जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा बन जाता है सेहरा। यस स्टार्ट। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राय बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंदा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, शाहिर लुधी या चलो ठीक है, अब दूसरा कोई बच्चा पढ़ेगा। जो बच्चे हैं उनमें से कोई और बच्चा पढ़ेगा। पार्टिसिपेंट सब कहाँ गए? 7। म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चों। यस मैम। हाँ आप पढ़ो। साथी हाथ बाकी बच्चे मिल बढ़ाना, पढ़ेंगे। हाँ साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहे तो चट्टान में पैदा कर दे रहे। बाहें साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा। मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर की करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ अपना बढ़ाना, रास्ता होगा, रास्ता वहां पे है। अपना रास्ता नेक। रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर जर हम क्या जर्रा है,
जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बन जा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बनाना। लेखक का नाम साहिर लुधियानवी। लुधियानवी कौन पढ़ेगा? दूसरा बच्चा कौन है? और पढ़ो बच्चों। थैंक यू मैम। वैष्णवी ने अभी थोड़ा अभ्यास की जरूरत है, वैष्णवी आपको अभ्यास करना पढ़ने का, बार बार ये कविता पढ़ना ताकि तुमको उच्चारण शुद्ध हो जाए। ओके मैम। हाँ, तो साहिर लुधियानवी जी का ये गीत है जिसमें बताया गया है बच्चों कि हमें सब लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस कविता में मिलजुल कर काम करने के महत्व पर बल दिया गया है। कहा गया है कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें भी कोई भी कठिनाई कोई भी बाधा सामने नहीं आएगी। एक साथ काम करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। एक तो आदमी थकता नहीं है, उबता नहीं है और वो बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, उसे डर नहीं लगता है किसी काम से, आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से छोटे छोटे बड़े काम को अगर छोटे टुकड़ों में बांट के किया जाए, बहुत सारे लोग मिलके करें तो जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। बड़े से बड़े काम इंसान कर सकता है लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर काम करें, एक साथ हाथ मिलाकर काम करें। अगर हम लोग हाथ मिलाकर काम करते हैं तो उसका प्रभाव कुछ और होता है और हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है, और जब शक्ति बढ़ जाती है तो बड़े से बड़ा काम भी हमें आसान लगने लगता है। इसलिए बच्चों एकता में बल है। एक बार की तुमने कहानी सुनी होगी, एक बूढ़ा आदमी था, उसके चार बेटे हुआ करते थे और वो चार बेटे हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। तो उन्होंने लड़कों को लड़ते हुए वो बूढ़ा आदमी देखता था, बहुत परेशान हो जाता था और उन्हें समझाना चाहता था कि झगड़ा करना बुरी बात है, लेकिन वो झगड़ा करते ही रहते थे, उनको समझ नहीं थी। एक दिन एक उस आदमी ने, बूढ़े आदमी ने उन चारों लड़कों को बुलाया और कहा कि तुम लोग एक एक लकड़ी लेकर आना हमारे पास, हमको कुछ तुमसे बात करनी है। सभी लड़के एक एक लकड़ी लेकर आ गए। जब लकड़ी लेकर आए तो बूढ़े ने एक लकड़ी, एक पहले बेटा से लकड़ी मांगी, उसको तोड़ दिया, और फिर दूसरे बेटा से लकड़ी मांगी लेकिन उसे भी तोड़ दिया। फिर उसने उन लकड़ियों को इकट्ठा किया, तीसरे बेटे से भी लकड़ी मांगी, चौथे बेटे से भी लकड़ी मांगी और उसका एक गट्ठर बना लिया और तोड़ने की कोशिश करने लगा, वो नहीं टूटी। और ये बूढ़ा बोला, तब ये बूढ़ा बोला आदमी अपने बेटों से कि इसी तरीके से जिस तरीके से एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, उसी तरीके से एक व्यक्ति की शक्ति बहुत छोट कम होती है। एक व्यक्ति अकेला अपने आप में बहुत कमजोर होता है लेकिन बहुत सारे व्यक्ति जब मिल जाते हैं तो वो मजबूत बन जाते हैं, जिस तरीके से लकड़ी का गट्ठर मजबूत था और एक अगर लकड़ी को अलग से देखा जाए तो बहुत कमजोर थी। तो यही है, एकता की शक्ति में बल होता है। इसलिए हम सबको एक होकर काम करना चाहिए। एक से एक मिले तो दरिया क्या है वो वाली लाइन पढ़ो, एक से एक मिले तो क्या, अनुष्का, अनुष्का पढ़ना जरा। कतरा बन जाता है दरिया। हाँ, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिलकर, एक एक कण मिलकर बहुत बड़ा दरिया बन जाता है वो, एक एक जल का बिंदु बनकर बहुत बड़ा सिंधु बन जाता है, सागर बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसीलिए हम सबको मिलकर काम करने की बात पर इस कविता में बल दिया गया है। अगर हम एक रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, हमें जीत नहीं सकता, हमको हमसे आगे नहीं जा सकता। इसीलिए किसी भी देश की सफलता, किसी भी देश की प्रगति उसकी लोगों की एकता पर निर्भर करती है। अगर लोग एक हैं, मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी समाज और कोई भी देश आगे बढ़ जाता है। व्यक्ति भी आगे बढ़ता है, देश भी आगे बढ़ता है और समाज भी आगे बढ़ता है। ठीक है, अब और कोई पढ़ना चाहता है? और कोई बच्चे हाथ उठाओ, अपने आप को अनम्यूट करके उसको रीड करेंगे। मैम ये लास्ट लाइन जो है, एक से एक मिले तो मैम इंसा मतलब। अब कितने बच्चे आ गए? मैम ओनली 10।
अभी 10 बच्चे हैं, तो कोई और बच्चा अगर रीड करना चाहता है तो पोयम को रीड करो। यस मैम। हाँ पढ़ो। यस मैम। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहे, साथी खाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो एक तरह जाता है, कतरा बन जाता है, दरिया एक से एक मिले तो जरा बन जाता है, सहरा एक से एक मिले तो राय बन सकती है, पर्वत एक से एक मिले तो हिंसा बस में शोर हो रहा है, म्यूट योरसेल्फ, सब बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे। चलो कौन है, आपका नाम क्या है? प्रकाश। अभिनव प्रकाश ने अच्छा पढ़ा। यस मैम। दूसरा पढ़े। कौन है वो पढ़ेंगे? मैम अंशु कुमार। अंशु कुमार पढ़ेंगे, अब रीड करेंगे। चलो आप लेसन वन पढ़ो। साथी हाथ बटाना, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बटाना। क्या मैम पढ़ो? हाँ ठीक है, हम जो गलत पढ़ रहे उसका सही उच्चारण हम मेहनत वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहे, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे, साथी हाथ बटाना, पैदा कर दे रहे। कंटिन्यू, आगे बढ़ो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गौरों की खातिर की आज अपनी गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। अंशु, अंशु आपकी आंख में क्या हुआ है? अंशु आपकी आंख को क्या हुआ है? मैम कोई सॉन्ग बजा रहा है। मैम क्लास के बैकग्राउंड में शोर नहीं होना चाहिए। मुंह अपना म्यूट योरसेल्फ। जिन बच्चों को कोई काम नहीं, जिनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, वो अपने आप को म्यूट कर रखें। बहुत कम बच्चे ऐड हुए हैं, तुम लोग ऑनलाइन पढ़ना क्यों नहीं चाहते हो? ये जो है लड़का अभी आ रहा है, ये इसका नाम क्या है? का नाम नहीं आ रहा है साथ में? मैम रौनक राज।
हाँ राघव राज। चलो पहला प्रश्न पढ़े अनुष्का, पहला अनुष्का यादव पहला प्रश्न पढ़ो, क्या है उत्तर बता दें। मेहनत करने वाले मनुष्य को मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं? इसका उत्तर है मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता रोक छोड़ देता है और पर्वत शीश झुका लेता है। मनुष्यों के आंसर लिखो, मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से, मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुका लेता है। बच्चे लिखें, पहले का आंसर लिखो, मनुष्यों द्वारा मिलकर कदम बढ़ाने से, मनुष्यों द्वारा मिलकर कदम बढ़ाने से सागर रास्ता छोड़ देता है और पर्वत शीश झुका लेता है। म्यूट और सेल्फ कर दे। मैं तो लगा पागल हो गई। ऑनलाइन क्लास किसका है? अरे भाई तुम लोग म्यूट क्यों नहीं करते अपने आप को? मैं म्यूट कर दिया। अरे अभी पता चल गया। इधर करीब कौन कौन है? हम और ब्रिली। हम पहले को पंगड़ी ले पंगड़ी ऊपर डबल है। अब बिना तुम लोग का नाम भी नहीं दिखा रहा है। बोलेंगे प्रॉब्लम गाना की। मैम इधर गाना का प्रॉब्लम, मैम इधर शादी हो रहा है इसलिए गाना बज रहा है। क्या मैम इधर प्रॉब्लम है गाना का?